नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। बांका में मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने। बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला समेत चार व्यक्ति की जमकर की पिटाई। संत रविदास आश्रम तोड़े जाने के विरोध में भागलपुर में निकाला गया प्रदर्शन जुलूस। अविलंब मंदिर निर्माण कराए जाने की मांग। मुहर्रम को लेकर सराय इमामबाड़ा पर पैकरों की उमड़ी भीड़। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद। नए ट्रैफिक रूल को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। और त्योहार को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी आशीष भारती ने आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बच्चा चोरी के अफवाह में आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता है। इसी कड़ी में शनिवार को बांका पंजवारा थाना क्षेत्र बिल टिकरी गाँव में एक महिला समेत चार लोगों को कथित बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के आरोपी की जान लेने पर तुले थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पंजवारा थाना पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई, जहां पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांव के बच्चे से बात कर रहे थे, इसी दौरान पूरे गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला समेत चार लोगों को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित संत शिरोमणि रविदास आश्रम तोड़े जाने के विरोध में शनिवार को भागलपुर में बिहार संत रविदास महासभा के बैनर तले प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान बिहार फूले अंबेडकर युवा मंच, बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन, एससी एसटी कर्मचारी संघ एवं सामाजिक न्याय आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जय भीम झंडा के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस में शामिल लोगों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर जय भीम और संत रविदास मंदिर निर्माण की मांग के नारे लगाते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचा। प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कहा कि भारत सरकार अविलंब दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए संत शिरोमणि रविदास आश्रम का निर्माण कराए और बहुजन आंदोलन में गिरफ्तार आंदोलनकारी को रिहा कर उन पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लें। साथ ही कहा कि भागलपुर के लाल कोठी स्थित संत रविदास आश्रम के निर्माण में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन निर्माण में सहयोग करें। जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार आलोक ने कहा कि 500 वर्ष पुराने संत रविदास मंदिर तोड़ा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि जल्द ही मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इस दौरान गौतम कुमार, प्रीतम, रिंकू, अंजनी समेत कई लोगों ने मंदिर निर्माण की मांग की। यह प्रदर्शन स्टेशन अम्बेडकर चौक से चलकर यहाँ तक जिला कार्यालय तक पहुँचा है। संत गुरु रविदास जी का आश्रम तोड़ा गया 10 अगस्त 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तोड़ने के लिए और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उसको तोड़वाया है। सुप्रीम कोर्ट से और ईडीए से हम लोग विरोध प्रकट इस अर्थ में करते हैं कि संत जी का आश्रम आज से 600 वर्ष पहले बना और डीडीए की स्थापना बाद में हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बाद में हुई, भारत सरकार की स्थापना बाद में हुई, तो किस आधार पर 600 वर्ष पुराना आश्रम को तोड़ा गया? दिल्ली के तुगलकाबाद में 500 वर्ष पुराने संत रविदास जी की मंदिर जो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में बनाया गया था, उसके पश्चात न जाने कितनी सरकारें आई गई, सल्तनत की सरकार चली गई, मुगल की सरकार चली गई, अंग्रेज की सरकार चली गई, तत्कालीन सत्ताधीन कांग्रेस की सरकार चली गई और वर्तमान में जो सरकार आई है दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, उनको वो संत रविदास जी जो किसी दलित या शोषित या अल्पसंख्यक के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के सिरमौर हैं। संत रविदास को जो जानते हैं, जो पहचानते हैं, उनकी भावनाओं को जो समझते हैं, उनके वे भगवान हैं। मुहर्रम की 7 तारीख को लेकर जिले भर के इमामबाड़ों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पैकरों ने या हुसैन के नारे लगाए।
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इमाम बाड़े पर जाकर फातिहा खानी की और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया। वहीं भागलपुर के सराय स्थित सैदना मुर्तजा अली शाही इमाम बाड़ा पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथ उठाकर देश में अमन चैन और शांति की दुआ मांगी। साथ ही करबला की जंग में शहीद हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए दरूद पढ़ा। ऐसी मान्यता है कि भागलपुर के सराय स्थित इमामबाड़ा में करबला की मिट्टी लाकर दफन की गई है, जिसके कारण लोग यहां अपनी मन्नतें मांगते हैं। मुहर्रम के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मुर्तजा अली इमामबाड़ा से पैकरों का जत्था सैकड़ों की संख्या में रवाना होता है और इसके बाद पैकर शहर के विभिन्न इमामबाड़ों का भ्रमण करते हैं। वहीं इमामबाड़ा कमेटी के सदस्य मोहम्मद बाबर अंसारी ने कहा कि करबला की मिट्टी के कारण सराय इमामबाड़े का विशेष महत्व है। आज तकरीबन 2 बजे से यहाँ पे पैकर और यहाँ पे जो लोग मन्नतें मांगने के लिए आए थे पिछले साल या गुज़स्ता कई साल से मन्नत मांगने के लिए आए हैं, उनकी जो मन्नतें पूरी हो गई वो आएंगे यहाँ पे फातिहा खानी और दरूद पढ़ने के लिए, और यहाँ पे नियाज फातिहा होगा और फिर मेले लगेंगे और बहुत सारे लोग जो नए नए लोग आएंगे वो मन। ये इमाम कहा जाता है कि इस इमामबाड़े में करबला की मिट्टी दफन है, इसलिए पूरे भागलपुर जिला में इस करबला की मिट्टी दफन होने की वजह से इस इमामबाड़े का एक खास मुकाम है, खास महत्व है। जिला परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के द्वारा भागलपुर के कई चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। डीटीओ अरुण कुमार के नेतृत्व में हेलमेट एवं सीट बेल्ट की जांच की गई, जबकि बिना हेलमेट एवं ट्रिपल लोडिंग पकड़े जाने वाले दोपहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। इस दौरान चालकों को ट्रिपल लोडिंग नहीं करने, हेलमेट लगाने एवं चार पहिया वाहन चालकों से हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग कर ट्रैफिक नियम का पालन करने की बात कही गई। ट्रैफिक DSP RK झा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इसको लेकर सरकार की ओर से कानून लोगों के हित में सख्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और सभी को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। मोटर अधिनियम है 2019 में अमेंडमेंट हुआ है और उसके तहत यह अमेंडमेंट का कारण बना है कि काफ़ी लोग एक्सीडेंटल डेथ में उनकी मौत हो जा रही है, उसको कम करने के लिए पहले से भी प्रावधान था लेकिन लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सरकार ऐसा सोची कि जो लोगों पर प्रभाव पड़े इसके लिए नया संबंध की राशि इन लोगों से लेने के लिए और जागरूक कराने के लिए। मुहर्रम को लेकर जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही ताजिया जुलूस और अखाड़े को लेकर रूट निर्धारित किया गया है, जिससे त्यौहार के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। भागलपुर SSP ने कहा कि मुहर्रम को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पुलिस बल, होमगार्ड और BMP जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। SSP ने त्यौहार के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा करते हुए लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की है। मुहर्रम भागलपुर में काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर के रैफ की टुकड़ी यहाँ पे एक प्रतिनियुक्त की गई है जो कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा भारी संख्या में जिला पुलिस के जवान, होमगार्ड और BMP के जवान की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पे प्रतिनियुक्ति की जानी है। विभिन्न स्थानों पे सभी वरीय पदाधिकारी भ्रमणशील जाकर के उसको संधारण कराएंगे और कंट्रोल रूम भी 6 बनाए जा रहे हैं शहरी क्षेत्र में, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी बनाए जा रहे हैं। कई लोगों के विरुद्ध साथी कार्रवाई की गई है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्वक माहौल में ये मनाया जाएगा। नवगछिया रंगरा थाना क्षेत्र भवानीपुर गांव में ससुराल वालों ने विवाहिता की जहर खिलाकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका की सास को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला की पहचान भवानीपुर गांव निवासी सौरव यादव की पत्नी नैना देवी के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए जहर खिलाकर हत्या करने की बात कही। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है।
शहर में लगातार तीसरे दिन नगर निगम कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह गंदगी फैली है और पानी के लिए भी हाहाकार मचा है। भरारी स्थित वाटर वर्क से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद होने के कारण शहर में पानी की समस्या बढ़ गई है। वहीं 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारी कामकाज ठप कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निकाय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। 11 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल और धरना दोनों पर है। हमारा बिहार लोकल बॉडी यूटिलाइज फेडरेशन और स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये हड़ताल चल रहा है। 11 सूत्री मांगों में मैं प्रमुख रूप से कुछ बता देता हूँ। पहला है दैनिक कर्मचारी या संविदा पर काम करने वाला कमीशन वाला आदमी कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस लागू किया जाए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भागलपुर टीएनबी कॉलेज में 11 कर्मचारियों के वेतन रोकने और काम नहीं लेने को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रभावित कर्मियों और कॉलेज के प्राचार्य के बीच तानातानी जारी है। दरअसल शुक्रवार की शाम कर्मचारियों ने प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी से वार्ता विफल होने के बाद जमकर हंगामा करते हुए लेखापाल से बदसलूकी की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मामला शांत कराया था। वहीं शनिवार को वार्ता को लेकर नाथनगर सीओ राजेश कुमार और कर्मचारी कॉलेज पहुंचे, लेकिन प्राचार्य के नहीं पहुंचने पर कर्मियों का आक्रोश बढ़ गया। टीएनबी कॉलेज के पूर्व एसओ अमरेंद्र झा ने कहा कि प्राचार्य की शिकायत राजभवन और कुलपति से की जाएगी। वहीं कर्मी कुमार आशुतोष राजेश ने कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह को पत्र लिखकर प्राचार्य के नियुक्ति और प्रोन्नति की जांच कराने की मांग की है। वहीं हंगामे और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में कॉलेज प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कॉलेज प्रशासन ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन देकर हंगामा करने वाले कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पत्र और विश्वविद्यालय के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। हम प्रिंसिपल से सीधे सवाल करना चाहते हैं, 35 वर्षों तक मैंने काम किया, क्या हर दिन कुल सचिव यहाँ हमारे काम करने का आदेश भेजते थे, क्या कुलपति आदेश भेजते थे तब हम काम करते थे? तो ये प्रधानाचार्य आश्चर्यजनक तरीके से टीएनबी को उस हालात में पहुँचा दिए। कल जब हम लोगों ने घेराव किया, इन्होंने खुद जिला प्रशासन का सहयोग लिया, दंडाधिकारी यहाँ प्रतिनियुक्त किया और खुद अपने मोबाइल से फोन करके आज 11 कर्मचारियों के साथ 11:30 बजे वार्ता का उन्होंने आमंत्रण दिया और इसकी सूचना हमें मजिस्ट्रेट ने दी, थानाध्यक्ष ने दिया और हम लोग 11 बजे से यहाँ आए। 11:30 में उनके चैम्बर में आए, ताला लटका हुआ है जिसे आप देख रहे हैं। क्या प्राचार्य अपने घर पर रह के टीएनबी के प्रधानाचार्य कल आएंगे? तो प्राचार्य अगर नहीं आए, आज सैटरडे है, ये अल्टीमेटम है उनको, सोमवार को दुर्भाग्यवश अगर कुलपति नहीं आए
तो प्रधानाचार्य जहाँ जहाँ 11 कर्मी वहाँ वहाँ। कल शाम में लगभग 8 बजे दंडाधिकारी और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में प्रधानाचार्य महोदय ने कहा था कि मैं कल 11:30 बजे इन लोगों से मिलूंगा, लेकिन दंडाधिकारी और पुलिस प्रशासन भी आए। प्रधानाचार्य कक्ष में ताला लगी हुई है, हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो फिर आगे की बात आगे देखी जाएगी। भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करने नाथनगर कांवरिया संघ का जत्था देवघर के लिए आकर्षक कांवरों के साथ रवाना हुए। मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर से कांवरिया संघ के अध्यक्ष डोमन यादव, पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव और जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने संयुक्त रूप से रवाना किया। संघ के अध्यक्ष डोमन यादव ने कहा कि इस बार कांवर यात्रा के 104 वर्ष पूरे हो गए। सभी शिव भक्त पवित्र उत्तरवाहिनी सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान बैद्यनाथ को जल अर्पण करेंगे। इस दौरान कांवरियों में खासा उत्साह देखा गया। हम तो 15 साल के उम्र से जा रहे हैं, इसके पूर्व जो था मुंदर बाबू सिपाही अभिकारी में रहते थे, वही हम सरदारी देकर के हमको गए हैं। आज हम 75 वर्ष इस संस्था को चला रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से पूरा शहर पानी के लिए परेशान है। वहीं शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चालू करने को लेकर उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था ठप होने से शहर की जनता परेशान है। वहीं निगम के अधिकारियों और पार्षदों ने बरारी वाटर वर्क्स से पानी की सप्लाई शुरू करने को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही। प्रीति शेखर ने कहा कि जलापूर्ति शुरू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम में नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल जारी है, उसके कारण शहर की जलापूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अभी मुहर्रम का भी फेस्टिवल है, उसके साथ साथ लोगों को आम जनजीवन में पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लगातार दो दिनों से जो बरारी वाटर वर्क्स जलापूर्ति बंद होने के कारण, कई वार्डों में जो की बोरिंग है वो बंद होने के कारण लोग बहुत ही उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल तय करके कई वार्डों में हम लोगों ने अपने पार्षदों ने अपने प्रयास से ताला तोड़वा कर अपने स्तर से पानी चलवाया, लेकिन बरारी वाटर वर्क्स अभी भी बंद है और हड़ताली कर्मी उसको बाधित किए हुए हैं। प्रदेश में पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भी दुकानदार पॉलीथीन का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसको लेकर अमरपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता ने अधिकारियों के साथ अमरपुर बाजार में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने कई दुकानदारों से पॉलीथीन का उपयोग करने पर जुर्माना वसूला और दुकान में रखे पॉलीथीन को जब्त किया। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने दुकानदारों को पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी। कहलगांव के सनहौला प्रखंड स्थित बनिया गांव में दो समुदाय के बीच हुए विवाद की जांच को लेकर शनिवार को कहलगांव इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह गांव पहुंचे और समस्या समाधान का प्रयास किया। दरअसल बट सावित्री पूजन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पूजन सामग्री को फेंक दिए जाने के बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया था। वहीं मुस्लिम समुदाय द्वारा स्कूल परिसर में मुहर्रम का पहलाम का दूसरे पक्षों ने विरोध किया था। वहीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों की सहमति से विवाद सुलझा लिया गया। बैठक में CO रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित दोनों समुदाय के दर्जनों लोग मौजूद थे। शिक्षक दिवस को लेकर भागलपुर रेकाबगंज स्थित मिलिया कॉन्वेंट स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के सचिव इंजीनियर मोहम्मद रशीद इकबाल ने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस का महत्व बताया और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रत्येक साल देश भर में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं बच्चों ने फिल्मी गानों पर जमकर मस्ती की, जबकि छात्राओं ने शिक्षक दिवस पर अपने विचार रखे। मौके पर प्राचार्य शौकत अली समेत कई शिक्षक और अभिभावक मौजूद थे। वहीं बांका के रजौन स्थित सुभद्रा पब्लिक स्कूल में भी शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। अतिथि दीप नारायण सिंह, प्रोफेसर जीवन कुमार समेत कई शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मौके पर प्रधानाध्यापक नवरत्न मंडल, मीनाक्षी मिश्रा समेत कई शिक्षक मौजूद थे। सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर जाने के दौरान सुइया पहाड़ के समीप हार्ट अटैक से कांवरिया की मौत हो गई। मृतक कांवरिया की पहचान बांका धुरैया थाना क्षेत्र बिसबट्टा गांव निवासी गोपाल मंडल के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि मृतक गोपाल अपनी बीमार पुत्री के स्वस्थ होने की मन्नत को लेकर पत्नी और बेटी के साथ पैदल कांवर लेकर बाबा धाम जा रहा था। इसी दौरान सुइया पहाड़ के समीप उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद परिजनों ने आनंद फानन में कटोरिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बांका जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रगतिशील किसान मंच की ओर से धरना दिया गया। धरना के माध्यम से किसानों ने बांका को सूखाग्रस्त घोषित करने, कृषि लोन माफ करने, फसल सहायता राशि देने, सिंचाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं राजस्व वसूली में कर्मी द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की। पूर्व मंत्री जनार्दन यादव ने कहा कि किसान सूखे की मार झेल रहे हैं और राज्य सरकार किसानों की समस्या दूर करने में विफल है। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन वीडियो को सौंपा। मौके पर जितेंद्र सिंह, श्री नारायण शर्मा, सर्वोत्तम कुमार, रामबालक शर्मा सहित दर्जनों किसान मौजूद थे। भागलपुर के अलीगंज राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी में राधा अष्टमी के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भादव मास की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी दिखाई गई और राधा कृष्ण लीला की प्रस्तुति की गई। राधा भक्तों ने कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया और माहौल भक्तिमय हो गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक अजीत शर्मा, कमेटी के अध्यक्ष नरेश प्रसाद ने किया। मौके पर विजय सिद्धार्थ, विजय साहब, जगदीश जी, डॉक्टर अर्चना सिद्धार्थ समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। बांका में मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने। बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने महिला समेत चार व्यक्ति की जमकर की पिटाई। संत रविदास आश्रम तोड़े जाने के विरोध में भागलपुर में निकाला गया प्रदर्शन जुलूस। अविलंब मंदिर निर्माण कराए जाने की मांग। मुहर्रम को लेकर सराय इमाम बाड़ा पर पैकरों की उमड़ी भीड़। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद। नए ट्रैफिक रूल को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। और त्यौहार को लेकर जिले भर में सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी आशीष भारती ने आपसी सद्भाव के साथ त्यौहार मनाने की अपील। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।